वेलकम गाइस, मैं हूं नोना प्रिंस और आज हम देख रहे हैं मनमर्जियां का ट्रेलर प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय, डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप एंड स्टारिंग विकी कौशल, तापसे पन्नू एंड अभिषेक बच्चन। ये सुनने में आया कि एक म्यूजिकल मूवी होने वाली है, बट डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप जो रॉ डार्क मूवीज बनाते हैं, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ये। आनंद एल राय जाने जाते हैं तनुवेट्स मन्नू और तनुवेट्स मन्नू रिटर्न्स के लिए, अनुराग कश्यप गैंग्स ऑफ वसेपुर, अगली, ब्लैक फ्राइडे, रमन राघव और बहुत सारी मूवीज, नॉट बॉम्बे वेलवेट। मैंने ट्विटर पे देखा कि बहुत जो हार्डकोर अनुराग कश्यप फैंस हैं, कुछ लोग कह रहे थे ये क्या मूवी बना रहे हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए और ये सब, बट अनुराग कश्यप ने इंश्योर किया कि पहले मूवी देख लो फिर बात करेंगे। और आई थिंक बहुत फैंस निराश थे, इवन अनुराग कश्यप खुद निराश थे बॉम्बे वेलवेट के बाद, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ही थिंक्स कि उन्होंने गिव अप कर दिया था मेन स्ट्रीम सिनेमा की तरफ जब वो मूवी बना रहे थे, और वो एक उनके लाइफ में समझ लीजिए ठोकर खाई उन्होंने और वो संभल चुके हैं। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए, बहुत अच्छी बातें सुन रहा हूँ इस ट्रेलर के बारे में, और मैंने रिसेंटली अगली देखी थी और मैं माइंड ब्लोन हूँ, तो एनीथिंग फ्रॉम अनुराग कश्यप मैं देखने को तैयार हूँ। विकी कौशल, तापसी पन्नू दोनों ही बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं रिसेंटली, बहुत अच्छी मूवीज़ आई हैं उन दोनों की, राजी, संजू, मुल्क। और अभिषेक बच्चन बहुत टाइम बाद एक मूवी में आ रहे हैं, आई थिंक मेरे लिए उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी गुरु में, उसके बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखी उनकी। तो चलिए देखते हैं ट्रेलर, लेट्स स्टार्ट। और अगली पेशकश है हमारे यंग दोस्तों के लिए जो प्यार नहीं प्यार करते हैं। आगे ले चलना, बस तेरे साथ रहना मुझे। मेरे साथ में होंगे तो पूरा दिन कहीं निकलने की जरूरत ही नहीं। चल फिर भाग चलते। अभी नहीं, अभी नहीं होए, अभी तो मम्मी को गोभी के पराठे बनाने को बोल के आए। प्यार करने के लिए छले टाप के आ सकता है, तू घर नहीं आ सकता शादी की बात करने हैं? यार रूमी पर एकदम से, क्योंकि मैंने घर पे बोल दिया है कल आ रहा है विकी बात करने, और तू नहीं आया ना तो मैं किसी भी उल्लू के पट्टे से कर लूंगी। तुम क्या बचपन से ये डायन टाइप? मुझे ना तो नौकरानी चाहिए, ना एस्कॉर्ट चाहिए, ना आपकी नर्स चाहिए, मुझे मेरी लाइफ पार्टनर चाहिए। रूमी का रिश्ता किसी और से कराना, काट के रख दूंगा सारे आशिकों की जान लेगा तू। डिसाइड करी कर लांडी। ठीक है जी, डिसाइड करके आपको फोन करूं कि व्हाट्सएप। तूने तो कहा था ना भागना है। हाँ मैंने कहा था भागना है, क्योंकि तो बनना ना बड़ा सही है लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर हग देता है। सारा जग छड़ के बस तेनू ही है। मुझे नहीं समझ में आता ये कैसा प्यार है आपका। वो वाला है जिसमें जितना करो ना कम पड़ता है। जब ये रोबी तुझसे प्यार करता है तब तो आंखें बंद करके मेरे बारे में सोचती है, या फिर आंखें खोल के उसको देखती है। You deserve him. एक दूसरे के अंदर घुस जाना बस। You make me sick. मुझे शादी नहीं करनी। हो बह गया हंजुआ दा दरिया, तेरे लेके की नहीं करेया। प्यार करती हूँ मुझसे? हो जाएगा प्यार। हेलो, तो कैसा जा रहा है हनीमून? अच्छा जा रहा है मम्मी जी। मजा आ रहा है ना? हाँ जी मजा आ रहा है। तुम्हारी चाची जी बात करेंगे। हाँ चाची जी। मम्मी कैसा जा रहा है हनीमून? अच्छा जा रहा है हनीमून जी। मजा आ रहा है ना? नहीं इतना मजा नहीं आ रहा, वो क्या है ना इनको लास्ट मोमेंट पे याद आया कि कंडोम तो है ही नहीं, वो जब तक लेके आए तब तक। हेलो हेलो, आई रिप्लाई। पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई ट्रेलर देखने के बाद, मुझे स्टोरी लाइन थोड़ी, मतलब समझना मेरी बात को, कि सिमिलर लगी हम दिल दे चुके सनम से, कि वो किसी और से प्यार करती थी, फिर उसकी शादी कहीं और हो गई, फिर हस्बैंड उसका कहता है चल अपने जिसे प्यार करती थी उसके पास ले जाता हूँ मैं, काइंड ऑफ वो एक मतलब थोड़ा समझ में आया।
ऑफ कोर्स ये मॉडर्न टाइम्स है, बहुत ही आई थिंक बहुत फ्लेश्ड आउट कैरेक्टर्स हैं तीनों ही. कैमरा एंगल्स और कैमरा शॉट से पता चल जाता है कि ये अनुराग कश्यप की मूवी है. कुछ शॉट्स तो बहुत ही अमेजिंग थे. एक शॉट जो वो बाइक पे जा रहे हैं और कैमरा उनके ऊपर फोकस्ड है, वो बहुत ही यू नो कुछ जर्की नहीं था, बिल्कुल इतना परफेक्ट काम शॉट बाइक पे, बहुत मुश्किल है लेना, वो बहुत अच्छा लगा. तीनों ही कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से दिखाए गए ट्रेलर में. विकी कौशल लिटरली इज नेलिंग इट. तापसी पन्नू के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है. और अभिषेक बच्चन के भी कुछ डायलॉग, यार चुप हो जा अभिषेक. बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कौवा काँव काँव करे मतलब कोई आने वाला है. शायद इस वीडियो पे मिलियन व्यूज आने वाले हैं. अभिषेक बच्चन के कुछ सीन्स थे, कुछ ड्रामेटिक सीन्स थे, कुछ फनी सीन्स थे, पर मुझे ऐसा लगा जैसे अभिषेक बच्चन का रोल थोड़ा कम किया गया ट्रेलर में से, कि क्योंकि मूवी में उनका रोल ज़्यादा है स्टोरी वाइज, तो उन्होंने कम दिखाना चाहा अभिषेक बच्चन को, मुझे ऐसा लगा. इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अनुराग कश्यप का टेक ऑन लव स्टोरीज, कुछ तो बढ़िया और मज़ेदार होगा मूवी में. फॉर अ चेंज बहुत कलरफुल था ट्रेलर. एक बात है जो अनुराग कश्यप की मूवीज में आपको देखेगा कि सेट्स और लोकेशंस बहुत ऑथेंटिक होते हैं, क्योंकि वो सेट्स क्रिएट नहीं करते शूट करने के लिए, वो ओरिजिनल जगहों पर जाते हैं और वहीं पर शूट करते हैं. ऐसा बहुत कम डायरेक्टर्स कर पाते हैं, क्योंकि आपको पूरा क्राउड मैनेजमेंट करना है ऑन द स्पॉट. कुछ लिमिटेशंस होती हैं आप सेट्स पे, तो यार अपने हिसाब से. क्या हो रहा है आज? कुछ क्वर्की डायलॉग्स भी थे ट्रेलर में, तो पता चल गया कि उनकी शादी हो गई है अभिषेक बच्चन और तापसी पन्नू की. सो इट ऑल कम्स डाउन टू जो ड्रामा होगा मूवी में. सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. मुझे तो ये ट्रेलर अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा. आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए. अगर ये वीडियो अच्छी लगी थम्स अप, नहीं अच्छी लगी थम्स डाउन, नो प्रॉब्लम्स. चेक आउट अदर वीडियोज, अगर वो भी पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग. एंड इफ यू आर सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में.